जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा के दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, उसके बारे में। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला एक पवित्र फल माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। हर साल अक्षय नवमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी बनाया जाता है। इस भोजन को सबसे पहले भगवान विष्णु और महादेव को अर्पित किया जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि लक्ष्मी जी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी। पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उन्होंने भगवान विष्णु और महादेव को खिलाया था। तब से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षय नवमी की तिथि को। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आरंभ होगी 9 नवंबर रात्रि 10:45 पर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि समाप्त होगी 10 नवंबर रात्रि 9:01 पर, तथा उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं। ज्योतिषों की माने तो आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर देर रात 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवला पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। इन योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं कि अक्षय नवमी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के वृक्ष पर गंगा जल चढ़ाएं और रोली, चंदन, पुष्प आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। अब पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे फल, मिठाई आदि का नैवेद्य अर्पित करें। अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए उनकी भी पूजा अर्चना करें। मंत्र जाप के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। संभव हो तो अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं, तथा शाम को पूजा के बाद सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें। अब हम बात करते हैं कि अक्षय नवमी की पूजा विधि। धार्मिक ग्रंथों में आंवले को पवित्र माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस विशेष दिन पर भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। नई शुरुआत के लिए भी यह दिन अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यवसाय में निवेश करने या नई योजनाएं शुरू करने के लिए यह अनुकूल समय है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताइए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।